तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपको आधार सेंटर जाना पड़ता है, तभी जाके आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास एक ऐसी आईडी मिलेगी जिस आईडी से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए, आप इसी मोबाइल से कर सकते हैं ये सभी का। आपको कुछ भी नहीं करना है, जाके आपको डायरेक्ट एक आईडी बना लेनी है और उस आईडी को आपको चालू करना है और उस आईडी में आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का ऑप्शन मिल जाता है और उस ऑप्शन पे क्लिक करके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगता है। और चलिए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है, गूगल पे आ जाना है, क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर में ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार की जो भी काम है, ठीक है, वो सभी काम आपको यहाँ पे ऑनलाइन आधार सर्विस, मतलब आपका यहाँ पे आधार कार्ड का जितना भी सर्विस है वो सभी सर्विस आपको ऑनलाइन ही मिलने वाले हैं। और ऊपर में आप देखेंगे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइज्ड इन इंडिया, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ही आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आधार का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट रेसिडेंट टाइप आपको यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे हैं, पहला दे रहा है इंडिया रेसिडेंट, दूसरा दे रहा है नॉन इंडिया रेसिडेंट। अगर आप इंडिया से है तो आप इंडिया रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, अगर आप इंडिया से नहीं है तो यहाँ पे नॉन इंडिया रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया है लॉग इन बाय और दूसरा दिया गया है ईमेल, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे लॉगिन जो करेंगे वो ईमेल से भी कर सकते हैं या अपने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, और ये सभी काम आपको मोबाइल से भी करने की छूट है, ठीक है, मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर दे देना है, कोई भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वही देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे देना है और कोई भी नया पुराना जो भी हो, जैसे नया मोबाइल अगर नंबर आपने लिया है तो वो भी नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको क्या करना है कि यहाँ पे लॉगिन देख रहे हैं, ठीक है, और बगल में आपको यहाँ पे ओटीपी डालने का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप ओटीपी डाल देंगे और यहाँ पे सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे कर लेते हैं आपका एक आईडी तैयार हो जाता है और ये कस्टमर का डालना है, ठीक है, किसी अपना नहीं डालना है, ये कस्टमर का डालना है, ठीक है, जो आपके कस्टमर होंगे उन्हीं का आपको मोबाइल नंबर डालना है और उन्हीं पे ओटीपी आएगा, वही ओटीपी आपको डाल देना है, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस कैसे होगा चलिए आपको बताते हैं। डायरेक्ट दोस्तों आप यहां पे आ जाएंगे, यहां पे आने के बाद यहां पे रेसिडेंट टाइप में आपको रेसिडेंट ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे आएंगे तो यहां पे आपको अपडेट ही रहेगा, क्योंकि आप यहां पे मोबाइल नंबर अपडेट करने वाले हैं तो यहां पे अपडेट का ही ऑप्शन रहेगा। यहां पे आपको आधार नंबर डालना है कस्टमर का, जो कस्टमर का आधार नंबर है, और उसके बाद कस्टमर का नाम यहाँ पे आपको डाल देनी है, और उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट मतलब डॉक्यूमेंट डालना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला मिलता है डॉक्यूमेंट मतलब कि आपको खुद का डॉक्यूमेंट, और दूसरा मिलता है HOF मतलब हेड ऑफ फैमिली का डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है। तो ये हेड ऑफ फैमिली के आधार कार्ड से सिर्फ आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि किसी लड़की का शादी होता है तो उनके पति के आधार कार्ड से उनका एड्रेस चेंज हो जाता है, चाहे कोई बच्चा जन्म लिया है उसका आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड बना के और उसके छोटे बच्चे का आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ये सब जुड़ता है, तो उसके पापा या मम्मी के नाम से ही जुड़ता है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड ऑफ फैमिली उनके लिए आता है, ठीक है। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आप खुद से, जैसे कि आप यहाँ पे आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपके पास एक आपके नाम से कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि स्टेट ऑल स्टेट है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे है ऑल स्टेट यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम जैसे कि बिहार से है, झारखंड से है, यूपी से है, जहां से भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है, कहाँ कहाँ अभी एक मतलब अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, ऐसे ही है, ठीक है। तो स्टेट में और भी स्टेट बहुत सारे हैं, जैसे कि दिल्ली में अगर आप है तो दिल्ली में भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आधार सेवा केंद्र पे आपको चले जाना है, ठीक है, जब यहाँ पे ये क्लिक कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको फिर आगे का यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है, तो चलिए सब कुछ हम भर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको जीरो दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे नाम चेंज करेंगे तो यहाँ पे नया नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पे प्रूफ वाले पे क्लिक करना होगा। जो भी प्रूफ आप देना चाहते हैं वो प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, यहाँ पे अपना मार्कशीट दे सकते हैं नाम जैसे चेंज करने में। अगर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आएगा, न्यू मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले से जो मोबाइल नंबर आपने दिया रहेगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर और नाम साथ में ही चेंज करना चाहते हैं तो साथ में भी चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद एडिट आप यहाँ पे कर लेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आपको डालना चाहते हैं, ₹50 यहाँ पे चार्ज आपको दिखा रहा है तो ₹50 चार्ज लगेगा। अगर यहाँ पे नाम चेंज करना है तो नाम पे क्लिक करेंगे, जेंडर चेंज करना है तो जेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज करना है तो ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको चेंज करना है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अवेलेबल जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आज के डेट में अवेलेबल जो भी होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको कल करवाना है तो कल का यहाँ पे दिख जाएगा, 15 पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कल का दिख जाएगा, परसों का दिख जाएगा, 14 रोज का दिख जाएगा। मतलब आप जब का चाहते हैं यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे हमारे ये क्वेश्चन करेंगे कि ये अपॉइंटमेंट है। दोस्तों एक बात बता दो, आप ये सोचिए कि ये जब आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट बोलिए कि वहां पे जाके वेरीफाई करवा ले तो वहां पे आपको एक अपॉइंटमेंट दे देनी है, ₹50 आपका चार्ज यहाँ पे कट जाएगा और उसके बाद वो मतलब आपके कस्टमर जो है वो आधार सेंटर पर जाके आपके आसपास में कहीं ना कहीं जैसे पोस्ट ऑफिस में है, जैसे कि यहाँ पे आप दोस्तों देखते होंगे जैसे कि कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, कोई सरकारी हॉस्पिटल में है, जैसे कि बहुत सारे जगह अभी आधार सेवा केंद्र खुले हुए हैं, तो वहां के आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपने कस्टमर को वहां पे भेज दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग अभी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी काम कर सकते हैं, आपके पास अगर आईडी नहीं है तो एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट आप बुक करवा लीजिए और अपने कस्टमर को भेज दीजिए, जिससे कस्टमर को ये भी पता चल जाए कि आपके दुकान पे भी आधार कार्ड बनता है, ठीक है। तो आपके कस्टमर अगर जाएंगे वहां पे सिर्फ उनको वेरीफाई करवाना है, उनका आधार कार्ड में नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस अपडेट हो जाएगा, हो गया सब कुछ। उसके बाद आप यहाँ पे मतलब ₹50, ₹10, ₹50 जो भी चार्ज लगते हैं वो सब चार्ज यहाँ पे उनको कोई फॉर्म भरने की भी वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करके वहां पे चले जाएंगे, वो सिर्फ यहाँ पे रिसीविंग दिखाएंगे और उनका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे करके आधार कार्ड बनवा सकते हैं। चलिए दोस्तों यही बताया था, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।